राहुल गांधी को आज 2 साल की सजा हुई है और सजा के बाद राहुल गांधी ने पहला बयान दिया है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का कथन ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा ट्विटर के जरिए कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें महात्मा गांधी के कथन को उन्होंने ट्वीट किया है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, ये लिखा राहुल गांधी ने। आगे उन्होंने लिखा कि सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो सजा के बाद राहुल गांधी का ये पहला बयान इस ट्विटर के जरिए सामने है जिसमें राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये बातें लिखी हैं कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। मानहानि के केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए। उसके बाद ये पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी की तरफ से आएगी जिसमें राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी है और ट्विटर के जरिए उन्होंने ये बात लिखी है यहाँ पर। ये प्रदर्शन नहीं है, ये जो तानाई शासक जो इस मुल्क में राज कर रहे हैं उनके कानों तक आवाज़ पहुंचा रहे कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी निडर है, सत्य है, और सत्य कभी झुकता नहीं है, कभी डरता नहीं है। सत्य यही है कि वो राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। आप लाख जतन कर लो, लाख कोशिश कर लो, लगभग पिछले 10 सालों से ये सरकार प्रयास कर रही है राहुल जी को झुकाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ना वो आवाज़ दबी है ना डरी है। सत्य निडर है, राहुल गांधी निडर है, और आज जो राहुल जी जो मुल्क के अंदर सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल इस मुल्क के हैं। गरीबों का पैसा हजम करके जो अडानी बैठे हैं जिसको प्रोटेक्ट करने में मोदी जी लगे हुए हैं, पूरी सरकार लगी हुई है, जवाब देने की बजाय राहुल जी के बयानों पर आप डिबेट करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहली मर्तबा हो रहा है कि सरकार खुद हाउस नहीं चलने देना चाहती, सदन नहीं चलने देना चाहती। इस मुल्क में हो क्या रहा है? कोई सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलता है उसको उठा करके आसाम पुलिस में भेज देते हो, आसाम जेल भेज देते हो, ये चल क्या रहा है? सच्चाई यही, एक तानाशाही शासक इस मुल्क के ऊपर शासन कर रहा है। लेकिन उधर राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस का ट्वीट भी सामने है जिसमें लिखा कि राहुल गांधी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, राहुल गांधी के साहस से तानाशाह घबराया हुआ है, ईडी पुलिस के सजा से डराने की कोशिश है ये, राहुल गांधी के मामले में न्याय संगत अपील दायर करेंगे, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये कहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो राहुल गांधी के साहस से तानाशाह जो है वो घबराया हुआ है, ईडी पुलिस के सजा ये सब जो है डराने की कोशिश है, लेकिन राहुल गांधी डरेंगे नहीं, राहुल गांधी के मामले में न्याय संगत अपील दायर करेंगे, ये भी आगे की जो प्लानिंग है अब राहुल गांधी के इस केस को लेकर वो कांग्रेस ने जाहिर कर दी है। आगे कांग्रेस देखती है इस ट्वीट में कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तानाशाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और राहुल गांधी के साहस से तानाशाह जो है वो घबराया हुआ है। तो ईडी पुलिस के सजा जो है ये सब कुछ डराने की कोशिश है राहुल गांधी को। और अभी हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में ही तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो खड़े हैं और वो लगातार कह रहे हैं राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये रहा वो ट्वीट जिसमें राहुल गांधी की उस वक्त की तस्वीर को लिया गया है जब वो प्रदर्शन कर रहे के साथ लोगों के साथ तब पहुँचे थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। तो ईडी पुलिस के सजा सब डराने की कोशिश, ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है।